कोच राहुल द्रविड़ ने घोषित करी तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11। उमरान मलिक सहित तीन दिग्गज खिलाड़ी हुए शामिल, भारतीय टीम की जीत लगभग तय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, आखिर क्या सच में उमरान मलिक की वापसी हो रही है, क्या आए हैं बड़े अपडेट्स, क्या होने वाली है प्लेइंग 11, पूरी खबर इस ब्रांड वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज अब खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। हां दोस्तों इस वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला जल्द ही खेला जाने वाला है। इस वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला 24 जनवरी 2023 को खेला जाने वाला है जो की भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। यह मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच का लाइव प्रसारण टेलीविजन पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकेगा और मोबाइल पर हॉटस्टार एप्लीकेशन के जरिए से आप इस मैच का आनंद ले सकते हो। जहां भारतीय टीम ने इस वनडे सीरीज के पहले दो मुकाबले शानदार तरीके से जीतकर इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है, यानी कि सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब तीसरा वनडे मुकाबला जीतकर टीम इंडिया इतिहास रचना चाहेगी। दूसरी तरफ से न्यूजीलैंड की टीम भी तीसरे वनडे मुकाबले को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है, तो इसमें तीसरा वनडे मुकाबला काफी रोमांचक होने की संभावना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी साल वनडे वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है जिसके लिए टीम इंडिया जोरों शोरों से तैयारी करते हुए भी नजर आ रही है और एक बेहतरीन प्लेइंग 11 बनाने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। जहां दोस्तों टीम इंडिया को ओपनिंग बल्लेबाजी का स्लॉट तो मिल चुका है, जहां भारत के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी का काम रोहित शर्मा और शुभमन गिल करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें टीम इंडिया के गेंदबाजी डिपार्टमेंट की, टीम इंडिया के ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, तो थोड़ा सा यहाँ पर असमंजस नजर आता है। तो ऐसे में तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया चौंकाने वाले बदलाव करके एक बेहतरीन प्लेइंग 11 तैयार करके मैदान पर उतरकर न्यूजीलैंड को बुरी तरह से रौंदकर सभी टीमों को चेतावनी दे सकती है कि वह इस बार का वनडे वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। ऐसे में दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल तीसरे वनडे मुकाबले में बड़े एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं और दोस्तों बड़े बदलाव के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतर सकती है। आखिर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाजी की बात की जाए तो एक बार फिर से रोहित और शुभमन गिल की जोड़ी भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाते हुए नजर आ सकती है। पिछले दोनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के बाद ही भारतीय टीम इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाई थी। जहां दोस्तों पहले वनडे मैच में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली, दूसरे वनडे मैच में भी इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज काफी बेहतरीन और कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं जिसको फायदा सरासर टीम इंडिया को जरूर हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय टीम के मध्यक्रम बल्लेबाजी की बात की जाए तो राहुल द्रविड़ के मुताबिक टीम इंडिया में नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो वहीं पर नंबर 4 पर राहुल द्रविड़ के मुताबिक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां नंबर 4 पर ईशान किशन के स्थान पर रजत पाटीदार को खिलाया जा सकता है। हां दोस्तों रजत पाटीदार डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा विराट कोहली से उम्मीद होगी कि तीसरे वनडे मैच में तो कम से कम अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि दोस्तों पिछले दो वनडे मैचेस में विराट कोहली का बल्ला काफी शांत नजर आया है, विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए हैं। इसके अलावा नंबर 5 पर एक बार फिर से भारतीय टीम के मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आ सकते हैं जो कि अपनी क्रिकेटिंग स्टाइल को नहीं बदलना चाहेंगे, यानी कि वनडे क्रिकेट में भी T20 जैसी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। और एक बार फिर से हम उम्मीद है कि दोस्तों इस वनडे मैच में सूर्य कुमार यादव का जलवा हमें देखने को मिले। इसके बाद ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आ सकते हैं जिनकी वही भूमिका होगी कि बल्ले के साथ और गेंद के साथ टीम इंडिया के लिए अहम योगदान दे। देखा जाए तो यह साल भी हार्दिक पांड्या के लिए अब तक ठीक ठाक रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर और बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे ऐसी ही उम्मीद करते हैं। इसके अलावा नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बड़ा बदलाव होगा, जहां वाशिंगटन सुंदर के स्थान पर टीम इंडिया में शाहबाज अहमद को मौका देकर परखने की पूरी कोशिश होगी। वाशिंगटन सुंदर भी काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छा खासा योगदान देने की दमखम रखते हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के बाद यहां पर शाहबाज अहमद को अब देखने का और परखने का पूरा मौका होगा। इसके अलावा नंबर 8 पर स्पिनर गेंदबाज के तौर पर भी बदलाव किया जाएगा, कुलदीप यादव को आराम दिया जाएगा। कुलदीप यादव लगातार मैचेस खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में राहुल द्रविड़ उनके स्थान पर युजवेंद्र चहल को एक बार फिर से मौका देना चाहेंगे और चहल का प्रदर्शन देखने लायक होगा। अगर चहल तीसरे वनडे मैच में खराब प्रदर्शन करे तो लंबे समय से इन्हें बाहर होना पड़ेगा। इसके अलावा टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। खासतौर पर दोस्तों अब तक अगर बड़े टूर्नामेंट अगर टीम इंडिया हारती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ही कारण रही है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने काफी रन खर्च किए हैं, काफी रन लुटाए हैं और दोस्तों इसी वजह से भारतीय टीम लगातार मैचेस हारती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों इस बार तीसरे वनडे
वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए अहम गेंदबाज के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि टीम इंडिया को पावर प्ले में विकेट दिलाकर दे सकते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। इसके अलावा नंबर 10 पर एक बार फिर से मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि भारतीय टीम के लिए अभी फिलहाल तो अनुभवी गेंदबाज के तौर पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे वनडे मैच में एक बार फिर से मोहम्मद शमी शानदार स्पेल डालकर बता सकते हैं कि वह अभी भी शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। नंबर 11 पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शार्दुल ठाकुर के स्थान पर टीम इंडिया में उमरान मलिक की एंट्री होगी। इसके साथ उमरान मलिक एक बार फिर से अपनी जादुई तेज तर्रार गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को चखा सकते हैं, उनके चारों खाने चित कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ इस तरह से भारत की प्लेइंग 11 होगी। इसमें आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के तीसरा वनडे मुकाबला जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।